मर्यादा पुरुषोत्तम राम के वन से लौटने और श्री राम का राज्याभिषेक के बाद खूब मनाई खुशियां। बूढ़नपुर तहसील क्षेत्र के सरैया स्थित रामलीला के मंचन में रामलीला में भगवान श्री रामचंद्र को 14 वर्ष वनवास के बाद राजगद्दी दी गई। भरत मिलाप में भरत के रोल को देखकर दर्शकों के आंखों से आंसू बहने लगे। आज के जमाने में जहां एक भाई दूसरे भाई की जान का प्यासा है, उसके हक हिस्से को बेईमानी से अपना बनाने की कोशिश करता है, वहीं राम और भरत की त्याग को देखकर लोगों के मोह भंग हो जाते हैं। इस मिथ्या संसार में कुछ भी सत्य नहीं है। भगवान राम ने भी पिता के सम्मान के लिए राज के सुख को छोड़कर जंगल में जाकर वनवासी जीवन व्यतीत करने को तैयार हो गए। इतना ही नहीं, मर्यादा को ध्यान में रखते हुए भगवान श्री राम ने जन कल्याण के लिए धरती पर जन्म लेकर के राक्षस राज रावण का वध कर पुनः अयोध्या के राजा बनकर प्रजा का भरण पोषण किया। गौरा हरदो के महाप्रधान प्रतिनिधि अंकित गुप्ता द्वारा रामलीला कमेटी को 11,000 रुपए की धनराशि प्रदान की, साथ ही राम का राज्याभिषेक कर श्रद्धालुओं में भक्ति भावना का प्रचार किया। इस मौके पर रामलीला के व्यवस्थापक दीपक सिंह, प्रबंधक संजय राय, संचालन नितिन राय, ग्राम प्रधान हौसला प्रसाद, प्रधान सूर्यकेश, प्रधान सुरेश, जमुना प्रसाद, गंगा प्रसाद, संतोष कुमार सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर मीडिया से बातचीत में ग्राम प्रधान हौसला प्रसाद ने क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। टीवी न्यूज 100 से संवाददाता अरविंद सिंह की रिपोर्ट। हौसला प्रसाद ग्राम प्रधान सरनिया रत्नावे बाबा पोहारी जी के गाँव में स्थान के बगल में रामलीला हमारे यहाँ हुआ और बहुत बढ़िया हुआ। दीपावली के 7 दिन पहले शुरू होता है और दीपावली के मेला होता है, फिर पोहारी बाबा के जिस दिन मेला पड़ता है उसी दिन समापन होता है रात में। अच्छा, काफ़ी दूर दूर से लोग रामलीला देखने बहुत दूर दूर से आते थे और आए थे अब की बार। और फिर वो राजगद्दी हुआ, तिलक हुई, सब कुछ हुआ, फिर हम लोग व्यवस्था बनाएंगे अगले साल के लिए। और प्राचीन से हम लोगों के गांव में रामलीला होता है और रहता होता रहेगा। अच्छा, रामलीला जो है बहुत शांतिपूर्ण ढंग से, बहुत शांतिपूर्ण, जो हम लोग कोशिश करते हैं कि आदर्श गांव बने, आदर्श रामलीला, हर चीज़ आदर्श के नाम से, बाबा पोहारी बाबा के नाम से जाना जाए। धन्यवाद।